बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है एक करंट टॉपिक और टॉपिक है एप्पल आईफोन 11 मेड इन इंडिया। एप्पल स्टार्ट्स आईफोन 11 मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया करंट अफेयर्स 2020। इससे पहले हम लोगों को ये तो पता है कि सैमसंग का एक बहुत बड़ा यूनिट जो है वो ऑलरेडी इंडिया में है, जो कि सैमसंग की प्रोडक्ट्स बनाता है फोन की, और एक बहुत शानदार किस्म का जो है आउटलेट भी है, रिटेल स्टोर भी है। वेल आज हम देखने जा रहे हैं एप्पल आईफोन के ये एक अच्छी खबर है कि 11 में सब वो मैन्युफैक्चर होगा इंडिया में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। मेड इन इंडिया आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आई क्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, क्या खबर आ रही है, वाह वाह वाह। आईफोन जो है ना बड़ा बढ़िया फोन होता है, कुछ भी कहिए। मेरे पास तो नहीं है आईफोन वैसे, हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला है आईफोन लो यार, लेकिन मैं इतना बिलीव नहीं करता। आईफोन एक्चुअली स्टेटस सिंबल है। नहीं है यार तुम्हारे पास इतने अमीर हो तो क्या, फिर तो सब बकवास है। तो आईफोन हो गया, और एक वो एक नया है ना वन प्लस, ठीक है वो भी चाइना का ही है वैसे, तो ये सब स्टेटस सिंबल है। लेकिन आईफोन वाकई में एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लाजवाब होते हैं सच में। आप एक बार उनके प्रोडक्ट्स यूज करेंगे ना तो फिर मतलब आप यूज ही करते रह जाएंगे, फिर आप कहीं और शिफ्ट होंगे ही नहीं। इतना स्मूथ चलता है, वाकई में गजब का। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब वो तो OS से तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है वो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इनका जबरदस्त होता है, कुछ भी कहिए ठीक है। लेकिन ड्रॉबैक्स भी होते हैं। फिलहाल हम आईफोन का रिव्यू यहाँ पे बैठ के नहीं करेंगे, लेकिन आईफोन 11 जो कि बहुत ज्यादा महंगा है, 85,000, अगर आप इसके 256 GB वाला मॉडल लेंगे तो 85,000 का है, अब भारत में बनेगा, आई फॉर इंडिया बिल्कुल अब भारत में मैन्युफैक्चर होगा। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो फोन सस्ता मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, मिल भी सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन एप्पल। तो हम देखेंगे। वैसे आपको बता दूं कि स्टीव जॉब्स जिन्होंने आईफोन को बनाया, फाउंड किया, उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, 1 घंटे का सेशन है। अगर मुझे चूज करना हो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स के बीच में, मार्क जुकरबर्ग की अभी तक मैंने बायोग्राफी नहीं बनाई है, मैं बहुत जल्द कवर कर दूंगा, आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट आती है, लेकिन बिल गेट्स की भी बायोग्राफी मैंने कवर की है। दो मेरे ख्याल में सेंचुरी के, ठीक है सदी के सबसे महान इनोवेटर्स स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स, ठीक है मैं स्टीव जॉब्स को चुनूंगा। उसका एक रीजन है, देखिए बिल गेट्स थोड़े से अमीर थे, उनके पास पैसा था अच्छा खासा, और पारिवारिक उनको अच्छा बहुत बढ़िया सपोर्ट था, ठीक है। लेकिन स्टीव जॉब्स की जब आप बायोग्राफी देखेंगे ना, उन्होंने अपने हालातों से लड़ाई की। स्टीव जॉब्स ने अपने हालातों से लड़के इतनी बड़ी कंपनी को फाउंड किया, डेफिनेटली उसमें स्टीव वॉजनियाक भी थे। देखिए अक्सर लगता है स्टीव जॉब्स बहुत बड़े कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, ऐसा नहीं है। स्टीव वॉजनियाक जो है वो प्रोग्रामिंग करते थे बेसिकली, ठीक है। स्टीव जॉब्स का पूरा मार्केटिंग दिमाग था, ठीक है। और आप वो बायोग्राफी देखिएगा स्टीव जॉब्स, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। क्या आपको पता है स्टीव जॉब्स भारत आए थे जब उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो स्टीव जॉब्स भारत आए थे नीम करोली बाबा के लिए। नीम करोली बाबा बहुत ही महान, बड़े सिद्धि प्राप्त है, अब तो खैर वो नहीं है, ठीक है वो तो अब समाधि में, उनको फाइनल समाधि प्राप्त हो गई है, लेकिन मार्क जुकरबर्ग से लेकर स्टीव जॉब्स तक नीम करोली बाबा के लिए आए थे। और यहाँ पे कहते ना कि भारत आ जाओ भैया ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो आप कह सकते हैं कि स्टीव जॉब्स को बहुत अच्छा लगा, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद जब वापस अमेरिका गए 1976 में एप्पल की स्थापना कर दी, 1980 को कंपनी को पब्लिक कर दिया था, ठीक है। शुरुआत में एप्पल जो है बहुत सक्सेस नहीं हुई थी, स्टीव जॉब्स का ये मानना था, क्योंकि उस समय देखिए ये जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है ना ये बढ़ रही थी, तो स्टीव जॉब्स का ये मानना था कि यार ऐसा है कि महंगे जो क्वालिटी हमेशा बिकती है, ठीक है अक्सर हम लोग सस्ते के ऊपर जाते हैं, लेकिन इन दी लॉन्ग टर्म स्टीव जॉब्स ने ये सोचा कि हमारे जो फोन्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, फोन तो नहीं कंप्यूटर्स, उस समय कंप्यूटर्स थे, बहुत ही इनोवेटिव तरीके के उन्होंने कंप्यूटर्स बनाए थे, वो भले ही महंगे हैं लेकिन बिकेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्वालिटी दे रहे हैं। शुरुआत में कंपनी को सक्सेस नहीं मिली, बाद में जबरदस्त सक्सेस मिली। इतना कुछ होने के बावजूद आपको पता है 1990 आते आते स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी ने बाहर निकाल दिया था। और जब 1999 में एप्पल की हालत बहुत बुरी थी, लग रहा था अब ये पिट जाएगी, स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया गया, जहां पे स्टीव जॉब्स ने जिस चीज पे हाथ रखा वो सोना होगी। आप
क्या मैं स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी आप देखिएगा, कुछ ज्यादा ही लंबा लेक्चर हो जाएगा, वरना स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी मैंने पूरी कवर की है। फिलहाल हम आईफोन की बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रंस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू की ऐप डाउनलोड करें, वहां पे आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये मेरी आईडी। देखो यार, फाउंडर्स की थोड़ा बहुत जिसने फाउंड किया है उसके बारे में तो बताना जरूरी होता है, और मेरा यही एम रहता है कि जब भी मैं कोई लेक्चर लूं आपको सब कुछ बता दूं जितना मुझे मालूम। तो स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी मजा आ जाएगी, देखिएगा जरूर, ठीक है। तो देखिए क्या अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि अभी फ्राइडे ने पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, ठीक है। पीयूष गोयल ने ये बताया कि अब ऐसा है, एप्पल जो है आईफोन 11 जो है घर में ही बनाएगी, भारत में ही बनाएगी, मेक इन इंडिया, बिल्कुल घर में ही अब बनेगा, भारत में ही बनेगा आईफोन 11, जो कि इस समय सबसे लेटेस्ट और सबसे महंगा है। कहां पे बनेगा ये? चेन्नई। देखिए आईफोन की अगर बात करें, एप्पल की ही चलिए मैं बात कर लेता हूं, अगर रेवेन्यू के हिसाब से बात करें तो ये बिग जायंट कंपनी है, ठीक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, अमेजॉन हो गई, एप्पल हो गई, उनमें से एक है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, तो रेवेन्यू में भी नंबर वन रहती है। 2018 में इसका पता है टोटल रेवेन्यू कितना था? $265 बिलियन। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है रेवेन्यू के हिसाब से, और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। सैमसंग और हुआवे के बाद, हुआवे के बारे में मैंने सब बताया है, आप परसों वाला मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, टेक कोल्ड वॉर, उसके बारे मतलब उसमें मैंने हुआवे के बारे में बताया, पूरी कंट्रोवर्सी जो चल रही है। तो एप्पल की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है सैमसंग और हुआवे के बाद, आप समझ रहे हैं। और 2018 में तो दोस्तों एप्पल ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया, अमेरिका की ये पहली ट्रेडेड कंपनी बन गई जिसने $1,00,000,000 $1 ट्रिलियन ले लिया, समझ रहे हैं। इसकी वैल्यू इतनी हो गई, $1 ट्रिलियन 2018 में पहली कंपनी बनी थी। दुनिया भर में एप्पल जो अपने फोन्स बेचती है, भारत में भी, भारत में भले ही 1% का मार्केट है, लेकिन भारत में दोस्तों प्रीमियम फोन्स की बात करें तो सबसे ज्यादा आईफोन्स खरीदे जाते हैं, ठीक है। भारत में भी अमीर कम थोड़ी ना है, बहुत अमीर है। देखिए आप लोग सोचते होंगे दुनिया में जितनी बड़ी कंपनीज है ना, उनका सबसे बड़ा मार्केट भारत है, ऐसा क्यों? भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है, और भारत में आपको दोनों चीजें एक साथ देखने को मिलेगी। भारत में आपको अमीर भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा मिलेंगे और गरीब भी सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका जो टारगेट होता है वो अमीर लोग होते हैं, और एप्पल जाहिर सी बात है जिसके पास अच्छा खासा पैसा होगा वही एप्पल के फोन खरीदेगा। तो भारत एक बहुत ही जबरदस्त मार्केट है, इसीलिए आप देखिए ना, चाइना जो है, चाइना का जो मोबाइल सेक्टर है, ठीक है, मोबाइल फोन कंपनीज हैं, 80% से ज्यादा मार्केट चाइना ले गया है, और कितना पैसा कमाता है, समझ रहे। तो भारत एक बहुत जबरदस्त प्रोस्पेक्ट है, ठीक है। कंपनी जो है, कंपनी के पास लगभग 1.5 लाख फुल टाइम एम्प्लॉयज है, 510 रिटेल स्टोर्स है 25 देशों में 2020 की अगर बात करें तो। बहुत बड़ी कंपनी अगर एप्पल की हम बात करते हैं, देखिए भारत में बात करें तो भारत में ये इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो 10.5 करोड़ के आसपास है, प्रॉफिट इनको 262 करोड़ का होता है। ओवरऑल मार्केट शेयर की बात करें तो 2-3% का है इनका, ठीक है। लेकिन दोस्तों ग्रोथ रेट बहुत जबरदस्त है। अगर एप्पल की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में ही, ठीक है, 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में ही 78% का इन्होंने ग्रोथ देखा। तो यानी कि एप्पल के फोन्स अब भारत में बहुत ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, आप समझ रहे हैं। देखिए चाइना का अभी क्या हो रहा है इस समय, आपको पता ही है कि चाइना, पूरी दुनिया जो है अब चाइना को बॉयकॉट करने में लगी हुई है हर तरीके से, ठीक है। ज्यादातर कंट्रीज, यूरोप में हुआवे का जो कंट्रोवर्सी, अभी यूके ने हुआवे को बैन कर दिया, अमेरिका ने तो पिछले साल ZTE और हुआवे को बैन कर दिया था, भारत तो आप देख ही रहे कि भारत से कैसे क्लैशेस हुए। तो अगर चाइना की बात करें तो पूरी दुनिया इस समय बड़े एग्रेसिव मूड में, अगर चाइना एग्रेसिव हो रहा है तो पूरी दुनिया एग्रेसिव है। और आपको जान के हैरानी होगी कि अभी चाइना का मार्केट शेयर भी गिर गया है। अगर भारत की ही बात करें तो भारत में 81% इनका पूरा मार्केट शेयर था, अगर मोबाइल की बात करें अब ये 72% पे आ गया है, ठीक है ना। हालांकि इसका रीजन ये नहीं है कि हमने पूरी तरीके से बॉयकॉट किया, इसका रीजन ये है कि लॉकडाउन, ठीक है, ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई ना इस लॉकडाउन की वजह से, इसीलिए वीवो ओप्पो ये सब इतना भेज ही नहीं पा रहे भारत में, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी, और जो सरकार है भारत की, सरकार भी इस समय बिल्कुल एक्टिव मोड पे है, वो बिल्कुल चाइना से कुछ लेने के पक्ष में नहीं है। तो ऐसे में ये जो मोबाइल कंपनीज है, अमेरिका की जो मोबाइल कंपनीज है, वो बहुत बढ़िया है, उनको बहुत बढ़िया एकदम इस समय चांस मिल रहा है। भारत में जो मोबाइल कंपनीज है, भारत की खुद की, उनको बहुत बढ़िया इस समय चांस है, ठीक है, कि जितना कर सकते कर लें,
तो एप्पल इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अब आईफोन जो है चेन्नई में बना रहा है, ठीक है, फॉक्सकॉन ने अपना प्लांट लगाया चेन्नई में। देखिए मैं आपको बता दूं कि एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, एप्पल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देता है, ठीक है, तो इसमें दो सबसे बड़े जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, एक है फॉक्सकॉन, ठीक है, और एक है आपका पेगाट्रॉन। ये दोनों, फॉक्सकॉन सबसे बड़ा है और उसके बाद है पेगाट्रॉन, जो आईफोन बनाती है। आईफोन इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है, आपका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपने एप्पल को कॉन्ट्रैक्ट किया, एप्पल ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है, आप बनाएंगे एप्पल के नाम से, समझ रहे हैं, मतलब सब कुछ एप्पल का ही होगा लेकिन आप एक तरीके से फोन को बनाएंगे। तो अब ऐसा है, फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन दोनों के ही यूनिट चाइना में है। आप पूछते हैं फॉक्सकॉन की अगर बात करें तो फॉक्सकॉन का हेडक्वार्टर तैपई में है, ठीक है, और इधर अगर हम पेगाट्रॉन का बात करें तो पेगाट्रॉन का भी चाइना में है, समझ रहे हैं। तो दोनों के ही हेडक्वार्टर जो है दोनों ही चाइना बेस्ड कंपनी है। इनफैक्ट विंस्ट्रॉन, ठीक है, जो एक तीसरी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो आईफोन बनाती है वो भी चाइना में है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है, ठीक है, वो ज्यादातर चाइना में है। अब अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है, आपको पता ही है, हुआवे की कॉन्ट्रोवर्सी आपको पता है। तो अमेरिका तो यही चाहता है ना कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जहां जहां पे चाइना, जो बड़ी कंपनीज अमेरिका की, अगर वो चाइना से ऑपरेट कर रही है तो अपने हेडक्वार्टर्स बाहर शिफ्ट कर लें, चाइना से हटा लें, और पूरी दुनिया वैसे ही चाइना को लेकर बहुत एग्रेसिव है, मैंने आपको बताया, तो भारत से बढ़िया कोई मार्केट हो ही नहीं सकता। दूसरा, इस इन्वेस्टमेंट का कारण एक और भी बहुत ज्यादा है, ये भी है कि देखिए अभी भारत सरकार ने, देखिए मार्च में भारत सरकार ने जीएसटी रेट बढ़ाया, उसमें एप्पल ने भी अपने जो मोबाइल के रेट है वो बढ़ा दिए, ठीक है। अभी अगर एप्पल के फोन की बात करें, आईफोन 11 की बात करें, तो 70,000 के करीब सबसे सस्ता जो आईफोन 11 है, जो 56 GB का है, वो 70,000 के करीब बैठता है, नहीं, हाँ 70,000 के करीब, बिल्कुल सही है, 70,000 के करीब बैठता है, 69,000 टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो अब होगा क्या कि यहां पे सरकार ने अभी $6.6 बिलियन की प्रोडक्ट लिंक्ड सब्सिडी दी है। भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई कि आप भारत में मैन्युफैक्चर करो, सारी मोबाइल कंपनीज को बोला, सिर्फ एप्पल को ही नहीं बोला है, कि आप भारत में प्लांट लगाओ, हम आपको 42,500 करोड़ की सब्सिडी देंगे। इतनी ज्यादा सब्सिडी मिलेगी तो कौन मोबाइल कंपनी भारत में, भारत से ऑपरेट नहीं करेगी, ठीक है। भारत में ऑपरेट करना दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि भारत में रुकावटें बहुत हैं, है ना, बहुत सारे आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, फिर टैक्स की भी प्रॉब्लम है, टैक्स यहाँ पे ज्यादातर ज्यादा लिया जाता है। तो भारत सरकार यही सोच रही है कि जितना ज्यादा हो सके हम मेक इन इंडिया करें, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम जो है वो भी कमाल का काम कर रही है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो भारत में शिफ्ट हो रहे हैं। एप्पल ने शुरुआत कर दी है और एप्पल ने ये भी बोल दिया है कि अब हम रिटेल स्टोर भी खोलेंगे भारत में, ठीक है। $1 बिलियन का तो इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, साथ ही साथ भारत में रिटेल स्टोर भी खोला जाएगा, ये सबसे अच्छी चीज है। और एप्पल को भी बहुत फायदा है ना, देखिए पीयूष गोयल ने ट्वीट किया फ्राइडे को इस ये सारी चीजों को देखते हुए कि ये तो मेक इन इंडिया को एक सिग्निफिकेंट बूस्ट है, है ना। साथ ही साथ आईफोन 11 की जो कॉस्ट है वो अब 63,000 की होगी। अब कैसे, अभी मैंने आपको बताया कि फोन 70,000 का है, अब पीयूष गोयल ने ये बताया कि ये फोन 63,000 का होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आईफोन अपनी पॉलिसी को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। देखिए आईफोन बाहर से आता है भारत में, ठीक है, 22% का टैक्स देना पड़ता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, 22% का टैक्स सरकार को देना पड़ता है। अब क्योंकि ये भारत में बन रहा है तो ये 22% का टैक्स जो है ये आईफोन को देना नहीं पड़ेगा, तो यानी कि आईफोन का टैक्स बचेगा। अब जब इनका टैक्स बचेगा तो इस फोन की कीमत लगभग 63,000, मतलब 7,000 का टैक्स तो बच ही जाएगा, 63,000 कीमत होगी। भाई एप्पल के फोन चाइना में आपको बहुत सस्ते मिलेंगे, अमेरिका में आपको बहुत सस्ते मिलेंगे, भारत में आपको महंगे मिलते हैं, क्योंकि भारत में टैक्स और बाकी सारी चीजें इंक्लूड होती है। आप चाइना में जाके खरीदे एप्पल, आपको सस्ते मिलेंगे, ठीक है। तो इतना टैक्स बचेगा तो जाहिर सी बात है फोन की कॉस्ट भी बढ़ेगी। लेकिन यही एप्पल खेल करता है, एप्पल की पॉलिसी है, जहां तक प्रॉफिट की बात होती है, एप्पल ये जो टैक्स बचा रहा है ये कस्टमर तक पास करेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एप्पल फोन के रेट गिराएगा या नहीं गिराएगा ये अभी तक कुछ नहीं पता। एप्पल ने अभी इस पर, टिम कुक ने अभी इस पर कुछ भी नहीं बोला है, आप समझ रहे हैं, टिम कुक जो है वो अभी प्रेजेंट सीईओ है एप्पल के, तो उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है, ठीक। अब देखिए इससे भारत को भी बहुत ज्यादा फायदा है, और फोन तो सस्ता मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एप्पल मतलब अभी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सस्ता होगा ही होगा। देखिए एप्पल के फोन बड़े महंगे आते हैं, मैंने बताया ना कि इनका जो 64 GB का
मैंने 56 बोला था, आई एम सॉरी, इनका जो 64 GB का मोबाइल फोन है वो लगभग 69,000 से 70,000 का, आप देख लीजिएगा ठीक है। जो इनका 258 GB का फोन है वो 80,000 के करीब है, और 128 GB का शायद 75,000 का है। तो अगर ये भारत में ही मैन्युफैक्चर करेंगे आईफोन 11 जो है, तो जाहिर सी बात है कुछ कॉस्ट तो घटेगी ही घटेगी। साथ ही साथ 6,500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, रोजगार भी जनरेट होगा ना। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर भारत में लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट करेगा, और भारत को भी अच्छा खासा फायदा होगा, भारत को भी ये लोग टैक्स देंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, मेक इन इंडिया को पुश मिलेगा क्योंकि यहाँ पे भारत के ही लोग काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, भारत बहुत जबरदस्त मार्केट है, 50 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं। गरीब के पास भी, मतलब कोई कितना भी गरीब हो उसके बाद आपको स्मार्टफोन जरूर मिल जाएगा ठीक है। तो और ये बढ़ता जा रहा है, ये मार्केट जो है वो एक्सपैंड होता जा रहा है। तो ये जो डिसीजन है ये बढ़िया है ठीक है। फिलहाल जैसा कि मैंने बताया कि इसकी शुरुआत 2017 से ही हो गई थी, आईफोन ने डिमांड रखी थी कि हम ये चाहते हैं कि सरकार हमको रियायत दे, और भारत सरकार ने ये मानी। 2018 में इस प्लांट को बनाया गया, और आईफोन इससे पहले वाला जो मॉडल था आईफोन SE, ये ऑलरेडी बेंगलुरु में मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, वहां पे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम कर रहे हैं, लेकिन चेन्नई में अब एक और लग गया और आईफोन 11 अब मैन्युफैक्चर किया जाएगा ठीक है। और यहां पे बताया है, कंपनी ने बोला है कि वो अपनी इस रेंज को और ज्यादा एक्सपैंड करेगा ठीक है। तो अच्छी चीज है, बाकी देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है, कोई और अपडेट आएगी तो मैं लेके आऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग। बात करेंगे आज की वीडियो की, तो नो डाउट एप्पल आईफोन जो है वो एक बहुत शानदार किस्म का मोबाइल है। बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है आईफोन जो है अपनी जिंदगी में खरीदना, बेशक वो आईफोन 8, 7 ही क्यों ना खरीद लें, अपनी जिंदगी में खरीदना यार नो डाउट लोगों की। देखें अगर बात करें सैलरीज की बात करें तो उस हिसाब से बात करूं, बहुत सारे लोगों का जो है ख्वाब होता है, बेशक वो कहते हैं कि हम आईफोन 6s 7 8 ले लें, हम ना आईफोन 10 या 11 लें, लेकिन मेरे पास आईफोन हो, क्योंकि आईफोन जो है ना वो इसमें भी कोई शक नहीं, जैसे उन्होंने वीडियो में बोला कि हमारे यहाँ पे एक सिंबल समझा जाता है अमीर होने का। नहीं मैं आप ये चीज नहीं मानती, मैं इस चीज से एग्री करती हूँ कि लोग शो ऑफ करने के लिए आपके पास होना चाहिए स्टेटस सिंबल जैसे उन्होंने बोला, लेकिन सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं, वाकई में यूज करने में इतना अच्छा है कि आप उसके बाद स्विच नहीं कर पाते किसी और मोबाइल पर, और ये प्रैक्टिकली मेरे साथ हो चुका है। यार देखिए आप, जैसे उन्होंने वीडियो में साथ ही बात बोली काफी, मतलब जो लोग यूज करते हैं इतना अच्छा मोबाइल है कि फिर उसके बाद वो कहीं और स्विच नहीं करते। वही आपकी बात में एग्री करता हूं, लेकिन कई लोग जो जिन्होंने नए नए आईफोन लिए होते हैं ना वो स्पेशल फोन ऐसे पकड़ते हैं सुनते हुए कि पीछे से एप्पल का साइन नजर आए कवर भी नहीं चढ़ाते बिल्कुल दिल तो नहीं करता मोबाइल वैसे बहुत अच्छी, लेकिन ये कि प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा उनको यूज करना पड़ता है। बट यहाँ पर हम बात करेंगे बिल्कुल वीडियो की, जो बहुत ही अच्छी बात है। और इससे पहले जो है बेंगलुरु में जो है आईफोन जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लेकिन अब जो है उसके अलावा जो है चेन्नई में जो है आईफोन 11 जो है वो उसका जो एक वेरिएंट है वो वहां पे बनाया जाएगा बिल्कुल। और ये वाकई में एक देखा जाए जिस तरीके से उन्होंने वीडियो में भी बात की कि जो आपके लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की, और डेफिनेटली मौसम जब आपका लाइफस्टाइल बेहतर होगा, आप अपनी कंट्री के लोगों को मतलब अपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, तो घूम फिर के देखो फिर ये है कि फायदा आपकी खुद की कंट्री का, और टैक्स देने पर भी मतलब गवर्नमेंट को फायदा होगा। जहां पर वो छूट इतना ज्यादा दे रही है कि 7,000 रुपए का, जो कि अभी डिसाइडेड नहीं है कि एप्पल फिर भी अपनी प्राइसेस कम करता है या नहीं करता। वैसे यहां पर मुझे आगे लगा कि एप्पल खुद बड़ा कॉन्शियस है कि वो प्राइसेस कम नहीं करना चाहता, वो खुद एक लिमिटेड क्लास के लिए इसको। वैसे मेरा जहां तक ख्याल है ना, देखिए अगर वो प्राइसेस कम भी करता है ना तो वो इस तरीके से कम करेगा कि वो जो एक लिमिटेड क्लास जो ने डिसाइड की हुई है ना वो वहां तक रहे, बाकी जो है लोग उसे ना ग्रैब कर सके। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि प्राइसेस बेशक थोड़ी बहुत कम करे 1,000, 2,000, 3,000, लेकिन प्राइस कुछ ना कुछ वो कम करेगा, क्योंकि जैसे कि बात करें अमेरिका की या चाइना की, तो नो डाउट वहां पे आईफोन वाकई ही सस्ते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान और इंडिया। अरे ठीक है ना, पाकिस्तान को तो बहुत साइड पे कर दो, पाकिस्तान तो एक्सट्रीम है ना यहाँ पर। यार आईफोन 11 प्रो में जब आया था याद है 3 लाख उसकी प्राइस आई थी, मैं सोच रही थी यहाँ पर 70,000 का सबसे ज्यादा मेमोरी और 70,000
का, पर ये iPhone Pro Max नहीं है ना, मैं Pro 11 है। हाँ। तो यहाँ पर आप iPhone 11 भी आपको 70,000 का नया मिलेगा। Impossible. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सोचना भी नहीं, हाँ, सोचना भी नहीं, सच में। इसलिए मुझे तो बहुत बड़े सीरियसली मुझे तो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग लग रही है कि एक तो आपकी खुद की कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, इवन फिर इसके साथ साथ जो लोग मतलब इसको खरीदना चाहते हैं उनको भी उसमें आसानी पैदा होगी। और जिस तरीके से उन्होंने ये चीज भी बीच में डिस्कस की मौजम कि अगर मतलब ओवरऑल पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मार्केट जो है इंडिया में इसीलिए नजर आती है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अगर लोग जो है आपको बहुत ज्यादा अमीर लोग भी नजर आते हैं, गरीब लोग भी नजर आते हैं, और फिर भी खरीदने वाले लोगों की तादाद जो दिन वो काफी ज्यादा है। और अगर यहाँ पे बात करें दूसरे मोबाइल फोन्स की, तो इंडिया में जो है हमने बड़ी देर पहले एक वीडियो देखी थी सैमसंग की, तो हमें मालूम है सैमसंग जो है वो इंडिया में बन रहा है। उसके अलावा अगर रिटेल स्टोर की बात करें तो इमेजिन करें कि सैमसंग का रिटेल स्टोर इतना खूबसूरत था, तो एप्पल एप्पल कह रहा हूँ एप्पल जो है वो क्या चीज बनाएगा, वो एक पूरी ब्ला बनाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ना एप्पल का रिटेल स्टोर ऑलरेडी इंडिया में है, बट ये मेरे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन थी। बट ओवरऑल बहुत ही एक अच्छी खबर है और मैं बोलूंगी कि एक पॉजिटिव चीज है जो कि मतलब कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एक मतलब ये चीज मैं सुनाना चाहूंगी, वो तो वाकया एप्पल से आप स्विच नहीं कर पा रहे। वही वाला मैं सुनाता हूँ इनका जो है आईफोन खराब हो गया 6s, यानी खराब नहीं हुआ, इनके इनका दिल जो है ना बस उसे चढ़ना शुरू हो गया कि अब मैं मोदन चढ़ना नहीं शुरू हो गया था एक्चुअली उसमें थोड़ी सी बैटरी की प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी और उसकी जो साउंड थी और मतलब उसका जो स्पीकर था उसकी आवाज थोड़ी कम हो गई थी, ये दो प्रॉब्लम। बिल्कुल हाँ। तो इन्होंने कहा कि मैंने लेना है मोबाइल, तो मैंने ले गया मार्केट, मैंने इन्हें जो है सैमसंग का नोट 8 लेके दिया, इनके पैसों का मैंने नहीं लेके दिया, कन्विंस मैंने कर दिया कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा वहां पे शॉप पे ये सेटिस्फाई भी होगी मोबाइल लेके, हम घर भी आ गए। आप यकीन जाने बा मुश्किल इन्होंने 5 से 6 घंटे गुजारे, मुझे कॉल की मैं क्या है भाजी सब ठीक है, मैं पता नहीं क्या है मेरा दिल नहीं लग रहा बाकी मुझे बाकी ऐसे लग रहा था कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज मैंने से लेनी है। मैं मुझे हुआ क्या बताए तो कहती मैंने आईफोन लेना दोबारा, मैंने नहीं सैमसंग लेना। तो फिर सुबह अगले दिन जाके हमने चेंज किया, एप्पल लेकर आए और फिर उसके बाद फिर वहां पे दुकान पे मैंने सुकून है कहती हाँ अब मैं भी सुकून हो गया। वो अच्छा नहीं था, वो बहुत अच्छा मोबाइल है, बट पता नहीं आप जब एक मतलब सैमसंग आप यूज कर लेते हो एप्पल यूज कर लेते हो आप बाकी में स्विच नहीं कर पाते। वेल ये तो एक छोटी सी हमारी फनी सा वाकया था जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, हमारे वीडियोस लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।